मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज। इश्क में मर जावा एक ऐसा शो है जो कि आपको खूब ज्यादा एंटरटेन करता है और अपने हर एक नए ट्रैक के साथ एक ऐसी नई एंट्री आपको शो में दिखाता है जो कि होता है इस कहानी का नया विलन। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी वैसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन इस बार और किसी की नई नए ट्रैक के साथ हो चुकी है भैया दीप की दोबारा एंट्री। जहाँ पर दो एपिसोड पहले ही हो चुकी थी उसकी मौत, लेकिन अब वो फिर से लौट आया है और ये देख कर आरोही अब काफ़ी झूम उठी है। क्योंकि पिछले एपिसोड में देखा, क्योंकि आप पहले तो आरोही शोक मना रही होती है दीप की मौत का और उसको पता चलता है कि दीप ने हमेशा उसका साथ दिया और उसकी भाभी और निक्कू को भी संभाल के रखा था, और इस बात से काफ़ी गम में होती है आरोही। तो वहीं आपने देखा रोमा आती है और उसको बोलती है कि वो दीप से जुड़ी सारे सामान जला देगी क्योंकि उसकी नहीं रखना चाहती वो नामो निशाने। इसके बाद आपने देखा आरोही उन्हें खूब रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तो वहीं इतने में पहुंच जाता है दीप, जहां पर दीप को देखकर सारे शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं अगर आप बात करें आने वाले ट्रैक की, जिसमें आप देखने वाले हैं कि दीप देगा आरोही का साथ, जी हाँ, जहाँ दोनों मिलकर अब निक्कू की मौत का बदला लेंगे रोमा और उसके पूरे परिवार से। तो ऐसे में देखना ये है कहानी में कि आरोही और दीप मिलकर कौन सी नई साजिश रचते हैं और क्या कुछ करते हैं ऐसा जिसकी वजह से रोमा और विराट को झेलना पड़ेगा ये सब कुछ और पहुंच जाएंगे वो दोनों जेल में। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज।